غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। काई कबीले वालों को देखकर सीखो कुछ। बस बहुत हो चुका, बहुत गलत है ये। हमारे सिपा सैलार कुतलू जाने कभी ऐसा नहीं किया। दूर हो जाओ नजरों से तुम, और जब तक सरदार होने का मतलब न समझो मेरे सामने मत आना। वो किले से फरार हो गए। कैसे कैसे भाग गए वो, कैसे? जनाब, हमें बस वहां कुछ लिबास मिले हैं। वेसेलियस ने तुर्कों को इस खत्ते से निकालने के लिए निकिया से खतरनाक हथियार मंगवाए हैं। इस कारवान को लाने वाला आदमी कल किले पहुंचेगा। भाई, आज तरबियत करते हुए देखा आपको, माशाल्लाह आप हर मुहिम सर कर सकते हैं इस बहादुरी के साथ। गुनीली खातून उराल के साथ ही अजार साहब की बेटी हैं। अगर ये गुस्सा जंग लड़ने से ही कम होता है तो फिर अपनों से नहीं दुश्मनों से जंग करो। कहां जा रहे हैं वो लोग? निकिया से किले जाने वाले कारवान पे हमला करेंगे वो लोग। उराल साहब तक ये खबर पहुंचाओ। सिपाही कबीले के दरवाजे पर आपके मुंतजिर है भाई। दुआन कुतलूजा, कबीले का ख्याल रखना, मेरी बहन असलेहान का भी। अल्लाह आपका मददगार हो। बेफिक्र हो जाए भाई। अल्लाह जिहाद मुबारक करे भाई, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया मेरी बहन, शुक्रिया भाई।
भाई, हम कल से आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ घात लगाए बैठे हैं। ना कोई कारवान गुजरा, ना ही कोई घुड़सवार। ठीक है, इसका मतलब ताखीर नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम आलिया साहब। वो लोग इसी रास्ते से किले की तरफ जाएंगे, आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। और वैसे भी वसीलियस कल अपने कमांडरों के कत्ल के बाद बहुत मोहतात होगा। निकिया से आने वाले कारवान की हिफाजत की जिम्मेदारी अगर उसने बाएतमाद साथियों को दी है तो वो आम रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा भाई। रास्ते के दोनों तरफ जाएं आप लोग। जब वो आएंगे तो हम पहले हमला करेंगे। अगर कोई चाल चली उन्होंने तो फिर आप जानते हैं आपको क्या करना है। बिल्कुल भाई। किरजा, सिपाहियों से कहो कि तुम्हारे साथ पहाड़ों के पीछे चले जाएं और मेरे हुक्म का इंतजार करें। जैसा आपका हुक्म भाई। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो भाई। आमीन आलियार साहब। शुक्रिया। सामसा, तुम सिपाहियों को रास्ते में बता देना साहब। खैरियत तो है बमसी? बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हो भाई। जब से मेरी तलवारें मुझे वापस मिली हैं, एक अजीब सी बेचैनी है मुझे। जब तक दुश्मन का सर कलम न कर दूं, सुकून नहीं मिलेगा मुझे भाई। मैं इसी तरह बेचैन रहूंगा। हमें अकेला छोड़ दो। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं भाई, मुझे एक अहम खबर देने के लिए आजार साहब ने आपके पास भेजा है। कैसी खबर? अर्तुरुल साहब अली और भाई के साथ मिलकर हमला करने गए हैं। किस पर हमला करने गए हैं? निकिया से आने वाले कारवान पर हमला करेंगे। निकिया? ठीक है, तुम कबीले वापस जाओ। हर तरह से चौकस रहना। सरदारान से कहना उराल बहुत जल्द वापस आएगा। सिपाहियों को भी तैयार रखना। जैसा आपका हुक्म। कमांडर, कहिए जनाब। किले में असलहे और सिपाहियों की तादाद मालूम करो। बिल्कुल सही शुमार चाहिए मुझे। जैसा आप कहें जनाब। जनाब, उड़ाल साहब आए, भेज दो। कहिए उड़ाल साहब। जमींदार वसीलियस, निकिया से आने वाला कारवान। कारवान के बारे में तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मुझे नहीं, अर्तुरुल को इल्म हुआ है। और ये बात आलियार भी जानता है। कारवान पर हमला करने के लिए वो दोनों अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो चुके हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं। कमांडर, कमांडर, फौरन दस्ता तैयार करवाओ, हम अभी निकल रहे हैं। जमींदार वसीलियस, ये एक जाल भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, और आपके बाद ये किला गैर महफूज हो जाएगा। जल्दी जाओ और इस हमले को फौरन रोको। जी ठीक है जनाब।
कौन हो तुम अजनबी? थियो नाम है इस आदमी का भाई। यहां सर्दी रहेंगी अर्तुल साहब, तुम जाल में फंस चुके हो। या रब्बे करीम, तेरे नाम की सरबलंदी के लिए जिहाद करने वाले बहादुरों की नुसरत फरमा, उन्हें मैदान जंग में जफर याब फरमा, उन्हें हमारे पैगंबर की जंगी हिकमत अमली अता फरमा, उनकी शमशीर को हजरत अली की शमशीर जैसी काट अता कर। अपने बंदों को जिस तरह तन्हा नहीं छोड़ा तूने बद्र में, उसी तरह इन हक के मुकल्लिदीन की मदद फरमा। हम उन्हें तेरे सुपुर्द करते हैं जिन्होंने अपनी जानें तेरी राह में वक्फ कर दी। यकीनन तू ही अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाने वाला है। अपने महबूब के सदक़े में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा या रब्बे करीम। आमीन। या अल्लाह।
या अजीज या हत्ता या मुईज या अल्लाह या अजीज या हत्ता या Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Muiz, Ya Allah, Allah, Allah. वार से बचकर दिखाओ तुम। कितना इंतजार किया है मैंने इस जंग का। मैंने भी दुंदा, मैंने भी। माशाल्लाह, खूब जंग की मेरे बहादुरों। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बहुत खूब मेरे शेरों। हथियार जमा कर लो, जितना जमा कर सकते हो कर लो, और जो ना कर सको वो जला दो। फतह हमारी हुई सिपाहियों। अल्लाहु अकबर, दार सिपाही कबीले आ चुका है। कौन है वो? या सिपाही, कहां है वो मलून? अपने खेमे में गया है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। अतरुल भाई और आलियार साहब वापस आकर उसका फैसला खुद करेंगे। मैं उसके खेमे के अतराफ में रहूंगा। ये नमूने हैं, देखो ये यहां लगा सकते हैं हम, ठीक है? और ये वाले यहां लगा सकते हैं। खानम, खातून ने नमूनों की तरतीब गलत दी है। सही कहा बेटी, शाबाश, खूब अंदाजा लगाया। खातून, हर तीसरे फेरे में गिरा लगाओ ताकि नक्शा खराब ना हो। जी ठीक है हाइमा खानम।
शाबाश, इसी तरह। हलीमा खातून, हायमा खानम को दिखाने ले जा रही हैं। हाँ, आपको इससे क्या? जहमत ना कीजिए आप, मैं दिखा देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद दिखा दूंगी। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ ताकि काम जल्द खत्म हो सके। परेशान होने की जरूरत नहीं खातून, काम पहले ही तेजी से चल रहा है। वालिदा, कहो बेटी। हमने ये नमूने तैयार किए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दरमियान में गुलाब का फूल डालना चाहते हैं। इन किनारों पे भी डाल सकते हैं फूल। और ये फूल भी देखिए, वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत आला बेटी। लेकिन वालिदा, गुलाब के अतराफ में कांटे भी डाल दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना। गुलाब भी कांटों के बगैर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन इस गुलाब के कांटे छुपे हुए हैं गुनियेली खातून, अचानक चुप भी जाते हैं, देखने वाली नजर इन्हें देख लेगी, इसी सबब से कांटे नमूनों में नहीं डाले। ये लो बेटी, बिल्कुल ठीक है ये। मत कहना कि हथियार तुम्हारे हाथ से निकल गए। वैसिलियस, अपने कमांडरों और सिपाहियों को इल्जाम मत दो। इल्जाम का मुस्तहिक वो गद्दार है जिसने अर्तुरुल तक ये खबर पहुंचाई। उस गद्दार को ढूंढकर अपने हाथों से मारूंगा, अपने हाथों से। वैसिलियस, तुम्हें अपने अतराफ में देखना होगा। जो लोग तुमसे करीब हैं उन पर नजर रखो, वरना याद रखना अर्तुरुल को बहुत सी फतूहात मिल जाएंगी। इसी तरह मुत्तहिद रखे। अर्तुरुल
खुश आमदीद बेटा, जिहाद मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया वालिदा, अल्लाह राजी हो आपसे। खुश आमदीद भाई, फतह मुबारक हो आपको। शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह राजी हो। भाई, आपके दी हुई जिम्मेदारी शुक्र है कि पूरी हो गई। आपका मतलूबा शख्स हमने ढूंढ लिया है। बहुत खूब अब्दुल रहमान। मेरे कबीले के प्यारे बच्चों, बहादुर आदमियों, खवातीन और सरदारों, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुफार को शिकस्ते फाज से दोचार किया। जिन हथियारों को जमा करके उन्होंने हमारा खून बहाना चाहा, वो माले गनीमत के तौर पर आपके सामने है। ईमान से मुनव्वर हमारे दिलों को जालिमों का तीर छेद सकता है। जो रास्ते अल्लाह ने अपने गुलामों के लिए खोल दिए हैं, वो गद्दारों की चालों से बंद नहीं होंगे। तुर्कों के कदमों से कांप जाने वाले इस जहान को फतह करने से कोई नहीं रोक सकता। हमने इलाही निजाम को कायम करने की, जालिमों के जुल्म और जबर से मजलूमों को बचाने की और अल्लाह के अदलो इंसाफ को इस जहान में फैलाने की कसम खाई थी। एक तुर्क जब कसम खाता है तो उसे पूरा करने तक जान नहीं देता। एक तुर्क जब अपनी नजर दुश्मन पर गाड़ दे तो फतह से पहले नहीं मरेगा। हमारे बड़ों ने हार नहीं मानी कभी और हम भी नहीं मानेंगे। उन्होंने मशरिक से लेकर मगरिब तक का रास्ता खोल दिया था और यही हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, जिसकी न कोई हद और न ही सरहद है कोई। जब तक हम जिंदा रहेंगे, इसी तरह कदम बढ़ाते रहेंगे। इलाही निजाम को महफूज और अल्लाह के इंसाफ को इस दुनिया में फैला देंगे। कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं तो कहेंगे कि ईमान ताकत है। जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी है। जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं तो कहेंगे कि तारीख काफी है। कोई कहे कि यह जहान तुम्हारा नहीं तो कहेंगे अल्लाह काफी है हमारे लिए। तुम क्या करने का सोच रहे हो जमींदार वैसिलियस? अर्तुरुल का पहले मुझे सर उतारना चाहिए या उसकी आंखें निकालनी चाहिए, यह सोच रहा हूं मैं। अर्तुरुल तुम्हारे हथियारों की मदद से हाथ और पैर दोनों काट सकता है तुम्हारे। लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों जगह पर हैं। मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा ताकि वो दोबारा मुझ पर हमला करने की जरूरत ना कर सके। अब वो ज्यादा ताकतवर हो गया है तुम्हारे हथियारों पर कब्जा करके। हमें फौरी तौर पर इंतकाम लेना होगा उससे। अगर हमने अभी जंग ना की तो कोई भी सिपाही लड़ने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। सबसे पहले किले में मौजूद गद्दार को तलाश करो।
गद्दार को हम चारा डालकर तलाश करेंगे। तो फिर तुम अपने करीबी लोगों को चारा डालना। तुम्हें किस पर शक है? गद्दारी एक ऐसी चीज है जो किसी भी शक्ल में ढल सकती है, बाज़ औकात दोस्तों में और बाज़ औकात दोस्त जैसों में, या फिर दोस्ती निभाने वालों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खबर सुनकर बहुत खुशी हुई भाई। फतेह आप सबको मुबारक हो। शुक्रिया आर्तुक भाई। मेरे भाइयों, बेहतरीन हथियार हाथ लगे हैं। ये हथियार हमारे लिए कारामत साबित होंगे। दुश्मनों से छीने हैं हमने और उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे हम। और अब इस लड़ाई में गद्दारों से बचना होगा हमें। दुरुस्त कहा अर्तुरुल भाई, जंग के लिए वफादारी चाहिए। छुटकारा नहीं पाया अगर हमने गद्दारों से, तो मुस्तकबिल का कुछ नहीं कह सकते। वो यास हमारे कबीले का आदमी है और अब वो हमारी पुश्त पर खंजर घोंपता रहेगा। अगर इस जैसे लोग हमारे बीच रहे तो ना लोग रहेंगे और न कबीला। बदकिस्मती से तुर्कों की यह हालत इन गद्दारों की वजह से ही हुई है आलियर साहब, और अफसोस यह है कि गद्दारी की यह लानत हमारे आबाओ अजदाद के जमाने से ही मौजूद है। दुश्मन हमारे खिलाफ हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करता आया है हमेशा। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। कुतलुजा, हुक्म कीजिए भाई। उस कमजर्फ मलून को कबीले के मैदान में लेकर आओ। इबरत आलम के लिए मैं उसका सर कलम करूंगा। जैसा आपका हुक्म। अभी इंतजार कीजिए आलियार साहब। अगर उस गद्दार को मरना ही है तो हमारे मकसद को पूरा करके और खाए गए निवालों का हिसाब देकर मरेगा। वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है? होगा आलियार साहब, होगा। मेरी बात गौर से सुने सब। कहां रख दी है मैंने? या अल्लाह, यही तो रखे थे मैंने। कहाँ जा सकते हैं? खैरियत तो है हलीमा खातून, क्या ढूंढ रही हैं? कल रात खवातीन को देने के लिए नमूने तैयार करके संदूक में रखे थे, लेकिन नहीं मिल रहे। वो तो मैंने सुबह आते ही खवातीन को दे दिए थे हलीमा खातून। शाबाश मेरी बच्ची, अच्छा किया तुमने। कैसे तुम मेरे संदूक को हाथ लगा सकती हो गुनगली? मैंने सोचा आपके आने तक खवातीन खाली हाथ ना बैठे। हलीमा खातून, माफी चाहती हूँ, मेरी नियत बुरी नहीं थी। ये संदूक मेरे जाती इस्तेमाल का है। तुम्हारे बड़ों ने ये तरबियत की है तुम्हारी? दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं बताया गया तुम्हें? हलीमा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? काबू में रखो खुद को। कौन से संदूक में रियासत के दस्तावेज हैं? उसकी नियत सिर्फ मदद करने की थी। वालिदा, आज इसने संदूक खोला है, कल खैमे में घुस जाएगी। इतना बेतकल्लुफ क्यों हो रही है? जरा ये बताओ, कैसे पता चला कि संदूक में रखे हैं नमूने जो तुमने निकाल कर दे दिए? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो गुनगली? हैमा खानम, इजाजत दीजिए। हलीमा खातून,
आप उसे पसंद नहीं करती और ना ही एतबार है उस पर आपको, लेकिन इस रवैये से अगर वो दोस्त बनती भी होगी तो नहीं बनेगी। उसकी दोस्ती और उसके बाबा की दोस्ती जहन्नुम में जाए। हलीमा जरा हवास बहाल करो अपने। गुंजेरी खातून ने तुम्हारे जाती इस्तेमाल के संदूक को छुआ, गलती की है उसने, मानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, फिर मैं समझाती उसे। बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से, अगर आप इजाजत दें तो उसे मैं कोई और काम दे देती हूँ, वरना मामलात खराब हो जाएंगे। हरगिज नहीं बेटी, हरगिज नहीं। हलीमा खातून को गुजरना ही होगा इस इम्तिहान से, क्योंकि दोस्त बनाना मुश्किल और किसी को खो देना बहुत आसान है। ये याज मलून ही है जो हर खबर को ओराल तक पहुंचा रहा है, इसीलिए इसे वही सुनवाएंगे जो हम इसे सुनवाना चाहते हैं। हम एक खेल तरतीब देते हैं जो ये यकीनन ओराल के गोश गुजार करेगा, और फिर इस तरह वो खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। ओराल और अपने किले में पनाह देने वाला वैसिलियस दोनों ही बहुत मोहतात हो गए होंगे। उनके हथियार हथिया कर हमने उन्हें तबाह कर दिया है, वो किसी पर अब यकीन नहीं करेंगे। और यही बात उनके खात्मे का सबब बनेगी आलियार साहब। खौफ ने माजी में बहुत से कमानदारों को इंतहाई दीवानगी और शदीद नाकामी से दोचार किया है। इंतकाम लेने की हवस उनकी कमजोरी बनेगी। वैसिलियस यकीनन ये समझ रहा होगा कि यह हथियार हम तुर्क कबाइल में तकसीम करेंगे। अगर हम उस तक ये खबर पहुंचा देंगे तो वैसिलियस हमसे यह हथियार लेने की कोशिश करेगा और इंतकाम लेने की भी। लेकिन जब वो कारवान पर हमला करेंगे, ना ही वो हथियार ले पाएंगे और ना ही इंतकाम। उसे हम मिलेंगे वहां, और मैं उस थियो को मसल डालूंगा, उसके पुस्तल सिपाहियों को भी। लेकिन इस बार तुम उसे भागने मत देना भाई। फिर हम वैसिलियस को अमन सुकून का वो सबक पढ़ाएंगे कि हमेशा सुकून को तरसेगा। तो फिर हमारा जिहाद मुबारक हो अर्तुरुल भाई। आमीन आलियार साहब, आमीन। दुआन कुतलुजा अब्दुल रहमान, तरबियतगाह जाकर खबर कर दो कि कल सुबह वैसिलियस से छीने जाने वाले हथियारों को तुर्क कबाइल में तकसीम किया जाएगा। कहना कि अर्तुरुल भाई भी साथ होंगे, तैयार रहें। और याज के कानों तक इस खबर को जरूर पहुंचना चाहिए। किले में भी खबर पहुंचा दो। हचातुरियान और दुमरुल को भी सूरत हाल से आगाह कर दो। वैसिलियस से लिया गया माल गनीमत कल तुर्क कबाइल में तकसीम करने के लिए जाएंगे। गुनगेली की मोहब्बत में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि गुनगेली खातून उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वालिदा हलीमा, दुनदार बेशक तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम्हें उसे हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अर्तुरुल की औलाद को मारने तक और अपने बाबा का इंतकाम लेने तक अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। हेलेना, अर्तुरुल की जासूस वो है या कोई और, मैं ये जानना चाहता हूं।